अभी बाप तुमको आकर के कितना समझदार बनाते हैं कि तुम ही पूज्य थे और तुम ही अब पुजारी बने हो। ऐसे नहीं कि मैं कोई पूज्य और पुजारी बनता हूं, न तो मैं पूज्य बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं। हे बच्चे, मैं एक ही बार आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जो गीता में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। नहीं, मैं वास्तव में 5000 वर्ष के चक्र में जब चारों अवस्थाओं के 4 युग पूरे होते हैं तब तमो प्रधान कलयुग के अंत में आता हूं, सतो प्रधान कलयुग बनाने के लिए, वो सतयुग बनाने के लिए। बाकी जो संभवामि युगे युगे लिख दिया है वो शास्त्रों में कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जब मैं आता हूं तो चारों वर्ण के मनुष्य आत्माओं की शूटिंग कराता हूं। देवतावर्ण की पूरी शूटिंग होती है तो एक अवतार, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग होती है तो दूसरा अवतार, फिर द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है, कृष्ण के रूप में अवतार दिखाई दिया है, फिर कलयुग की शूटिंग पूरी होती है तो कलंक की धरा अवतार दिखाई दिया है। वास्तव में मैं 4-4 अवतार नहीं लेता हूं, मैं तो एक ही बार आता हूं। मैं पावन दुनिया में क्यों आऊंगा? जो दुनिया सत्व प्रधान है, सुखदायी दुनिया है, उसमें मुझे आने की क्या दरकार है? वहां तो कोई को काल खाता भी नहीं है, काल वहां आ ही नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है। जब इस दुनिया में चारों ओर काल मंडराता है, जो सूरदास ने लिख दिया है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुं दिस काल फिरे, ऐसो जोग पर है, तब मैं आता हूं। तो मुझे सतयुग में आने की दरकार नहीं है। सतयुग में आऊं तो मैं त्रेता की स्थापना करूंगा क्या? द्वापर में आऊं तो क्या कलयुग की स्थापना करूंगा क्या? मैं तो आता ही हूं कलयुग के अंत में, तामसी दुनिया को सत्व प्रधान दुनिया बनाने के लिए। तो मैं महाकाल हूं, सत्युग में तो काल आता ही नहीं है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, उसको नहीं कहेंगे कि काल ने खाया। यहां तो आकर काल सभी आत्माओं को ले जाता है। बात सत्युग में तो तुम खुशी खुशी से जाते हो, अभी भी तुम बच्चे कहते हो कि बाबा हम तो खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ खुशी खुशी चलेंगे। तब तो आपको बुलाया है, आपको इस पतित दुनिया से
हमको पावन दुनिया में ले चलने के लिए बुलाया है। ये बातें घड़ी घड़ी मत भूल जाओ, परंतु तुम्हारे सामने घड़ी घड़ी माया दुश्मन आ जाता है, क्या करता है, तुमको ये बातें भुलाई देता है, घड़ी घड़ी माया भुलाई देती है। इसलिए रोज रोज बाप को बोई बोई बातें समझानी पड़ती है। अगर रोज सुरा सुजाग न करे तो माया तुम्हारा बहुत नुकसान कर देगी। मैं सर्वशक्तिवान हूं तो माया भी शक्तिवान है। माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है, आधा कल्प माया ने तुम्हारे ऊपर राज्य किया है।